क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी बीजेपी? राहुल गांधी के दांव को फेल करने वाला शिवराज प्लान है क्या? मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी से ही चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी जहां सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना 15 सालों का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दांव को नाकाम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खास प्लान तैयार किया है। दरअसल राहुल गांधी अगले महीने यानी 6 जून से मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वो यहां अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल के निशाने पर सूबे के किसान हैं, जो शिवराज सिंह सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उससे पहले ही सार्वजनिक सभा करने का प्लान बना चुके हैं। आपको बता दें कि मंदसौर में पिछले साल 6 जून को पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना चुनावी अभियान शुरू करने के लिए उसी दिन को चुना है। दोनों पार्टियों की रैलियों में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इस साल के आखिर में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के दौरे को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता फैला रही है। वो खूनी खेल खेलना चाहती है, लेकिन सरकार पिछले साल की तरह हिंसा नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चौहान किस मुंह से मंदसौर आएंगे। उन्हें पहले पिछले साल हुई हत्याओं की न्यायिक जांच को सार्वजनिक करना चाहिए। उसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस सूबे के नाराज किसानों को लुभाने में कहां तक कामयाब होती है, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।